वीरेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 15 नवंबर तक दशहरा मैदान दिसारी में किया जाएगा। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में इस महायज्ञ का समस्त आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान समाज के लोगों ने दी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप लोग अपना समय निकाल करके इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रिसाली वासियों का यह परम सौभाग्य है, यह अवसर हमारे लिए 17 वर्षों के बाद आया है। हम यह 24 का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव करा रहे हैं, ऐसा अवसर बहुत समय के बाद आया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ उपस्थित होकर इस प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवें एवं आनंद यात्रा करें। धन्यवाद। मैं इंजीनियर दिनेश जैन, अध्यक्ष श्री रिसाली दिगंबर जैन मंदिर, यहाँ पर 24 नवनिर्मित प्रतिमाओं का पंच कल्याणक होने जा रहा है। पंच कल्याणक का उद्देश्य होता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, और भगवान कैसे बन सकते हैं इसी को 5 दिनों के माध्यम से दिखाया जाता है। तो हम ये प्रयास करें कि त्याग तपस्या आदि के माध्यम से ही हम भगवान बन सकते हैं, और जब तक अपने जीवन में हम त्याग नहीं करेंगे और तपस्या नहीं करेंगे, बातों से भगवान नहीं बन सकते हैं, और साथ में भगवान बनना तो दूर, जीवन में सुखी भी नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद। सभी यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, आप सभी बंधुओं से, भिलाई दुर्ग और छत्तीसगढ़ वासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के सत्संग 29 पिच्छी सहित मुनि राजों के साथ यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव रिसाली मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर दशहरा मैदान में होने जा रहा है। आप सभी सर्वधर्म के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आचार्य श्री 1998 में अहिंसा सम्मेलन की शुरुआत किए थे, जो सेक्टर 6 में आप लोग आते थे, सिर्फ एक मंदिर था। आज आप देख रहे हैं रिसाली, नेहरू नगर, वैशाली नगर, रुआ बांदा और पार्श्वनाथ धाम, लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। और रिसाली मंदिर जी, श्री 1008 मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भिलाई के प्रगति नगर सड़क बन में स्थित है, और हिंदुस्तान के समूचे जगह से रोजगार के लिए और व्यापार के लिए, सर्विस के लिए या जैनी भाई यहाँ बस रहे हैं। जैसे जैसे बस्ती बढ़ते जा रही है, प्रगति नगर, मैत्री कुंज, मैत्री रिसाली, तो उससे वैसे ही वैसे हमारा मंदिर जी का भी विकास हो रहा है। इस मंदिर जी में 24 तीर्थंकर भगवंतों का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के सानिध्य में संपन्न होगी। 5 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रथम दिवस गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक से मोक्ष कल्याणक तक 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। दशहरा ग्राउंड रिसाली, जिसे हम लोगों ने टेम्परेरी रूप से अयोध्या नगरी दिया है, क्योंकि ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक वहीं पर होगा, अयोध्या नगरी में ही हुआ था।